तो ये है आपका वायरलेस माउस। तो फिर इसको जल्दी से ओपन अप करते हैं और इसके अंदर आपको एक वायरलेस माउस देखने मिल जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में फ्लिपकार्ट की वायरलेस माउस का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो क्या है, कैसा है, इसका प्राइस, यूजेस, बिल्ड क्वालिटी, लैपटॉप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपको एकदम लाइव टेस्ट के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और आप अगर लेने वाले हैं तो अच्छा सा देख के ले सकते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहे, सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका वायरलेस माउस जिसको फ्लिपकार्ट की तरफ से अच्छे से पैकेजिंग करके भेजा गया है। काफ़ी यूनिक भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो फिर इसको जल्दी से ओपन अप करते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलता है। इसके साइड में माउस के बारे में कुछ डिटेल्स और कुछ फीचर्स लिखा गया है। और इसके अंदर आपको एक वायरलेस माउस देखने मिल जाएगा और एक मैनुअल कार्ड। इसको अंदर रख के माउस को ओपन करते हैं। देख सकते हैं माउस को ब्लैक कलर का मैट फिनिश के साथ, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में। फ्रंट में फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय का लोगो है, साइड में भी देख सकते हैं, पकड़ने में अच्छा फील होगा। और इसके पीछे की तरफ कुछ ऐसा दिखने मिल जाएगा USB कनेक्टर के साथ। इसको क्लिक करने से बहुत अच्छा फील होता है, क्लिक करने पर नॉर्मल साउंड होता है, पूरा प्रोफेशनल माउस की तरह फील होता है। इसको पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसके पीछे आपको USB कनेक्टर मिल जाता है, इसको निकाल के चेक करते हैं। इसमें भी आपको ब्रांड की लोगो देखने मिल जाएगा। इसके बैक कवर को निकाल के सेल को लगा देते हैं। इसका प्राइस मुझे बस 1 रुपया पड़ा और बाकी पैसा मैं सुपर कॉइन को यूज करके ख़रीदा। सुपर कॉइन का ऑफर था, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो देख के ख़रीद सकते हैं सुपर कॉइन को यूज करके। इसमें आपको 2 AAA बैटरी पहले से ही दिया जाता है, AA बैटरी दिया जाता तो अच्छा होता। सेल की रेपर को निकाल कर इसमें अच्छे से लगा देते हैं। देखिए रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसका सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। तो अब इसके बैक कवर को लगाकर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो अभी हम इस USB कनेक्टर को लैपटॉप में लगा देते हैं। लगाने के बाद माउस को एक बार क्लिक करते ही कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख सकते हैं कितने स्मूथ से कर्सर मार्क मूव कर रहा है। और माउस के बीच में जो DPI है, डॉट्स पर इंच, इसको क्लिक करने पर आपके कर्सर मार्क जो है एरो मार्क, उसका विंडो एनिमेशन स्पीड कम ज़्यादा होगा, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें बस USB सपोर्ट है, ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं दिया गया है। मैं अभी मेरे चैनल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी हम स्मार्टफोन में चेक करके देखते हैं, नीचे USB कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, स्क्रॉल भी बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। वायरलेस माउस का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको आप कहीं पर भी आराम से ले जा सकते हैं, वायर का झंझट नहीं कि वायर का कट जाने का भी टेंशन नहीं, आराम से कैरी कर सकते हैं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप अपने हिसाब से देख के समझ के ऑर्डर कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे।